आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे, सुनीता नीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, हमने 9 से 10 नंबर कान्हा जी का बूट बनाया है। मेरे पास 10 नंबर की काफ़ी रिक्वेस्ट आती है, तो मैंने सोचा सबसे पहले बूट बनाया जाए। ये देखिए, तो इसका मैं साइज बता देती हूँ कितना है, और बहुत ही इजी है ये। जो मैंने पहले बनाया था 6 से 7 नंबर का, उससे भी ये काफ़ी ईजी बूट है, और क्रोशे से बनाया है इसका। हम पीछे से, आप कभी भी अपने कान्हा जी की अगर बूट बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके से नीचे से पैर का जो तलवा होता है ना, उसको आप नाप लीजिएगा। तो ये मैंने इस तरीके से 5 सेंटी, ये देखिए यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर हमने इसको ये नापा है, ठीक है। तो इतना हमने लंबा बनाना है, और ये बड़े कान्हा जी को भी आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा खिंचता है, ठीक है ना। क्रोशिए का है, और सिंगल क्रोशिए से हमने इसे बनाया है, और इसको हमने 24 चेन से शुरू किया है। नीचे से शुरू है और इसको हमने सिलाई की है सुई से। ऊपर हमने ब्लैक कलर की आउटलाइन डाली है, जिससे कि कान्हा जी के बूट को हमारी नज़र ना लगे। ये देखिए, बहुत सिंपल सा, सोबर सा है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम इस तरीके से, और हाँ, क्रोशिया हमारा 10 नंबर का है, और बेबी उनसे हम बना रहे हैं। ऐसे आपको 24 चेन बना लेनी है, 24 चेन हम इस तरीके से बना लेंगे। तो ये चेन आपको किस तरीके से बनानी है, मतलब कि क्या हिसाब होना चाहिए, अगर हम छोटा बूट बना रहे हैं या बड़ा बूट बना रहे हैं, तो आपको नापना है इंच टेप से अपने कान्हा जी का। तो इंच टेप से जैसे आप नापेंगे, तो जैसे आपके कान्हा जी का 2 सेंटी, जैसे 4 नंबर कान्हा जी का 2 सेंटी का बूट बनता है, तो आपको चेन 4 सेंटीमीटर, और एक चेन, 2 चेन आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं अगर आपका हाथ टाइट है, तो 4। तो जैसे ये भी हमारा 5 सेंटी का बूट है, तो हम 10 तक हमारा आ जाए चेन, इस हिसाब से हम चेन बनाएंगे। तो ये 24 में मेरी आ गई थी, तो सबका हाथ का अपना अपना फ़र्क होता है, उनका फ़र्क होता है, तो आप इस तरीके से इंच टेप से नाप लेंगे। अगर आपके कान्हा जी 10 नंबर के या 9 नंबर का बड़ा पैर है किसी की, आजकल साइज में जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ फ़र्क होता है, तो आप चेन ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो हम 24 चेन बना लेते हैं। तो देखिए, मैं इंच टेप पर आपको रख के बताती हूँ। देखिए, मैंने बिल्कुल किनारे पे चेन को रखा, खींचना नहीं है। 24 चेन हमने बना लिया, और इस तरीके से धीरे धीरे देखिए 10 पर हमारा आ गया। ये देखिए 4 इंच आप कह सकते हो टोटल, लेकिन ये 10 सेंटीमीटर के हिसाब में मैंने रखा। जैसे 5 सेंटीमीटर का बूट है, तो अगर आपका 6 है तो आपका 12 पे आना चाहिए, आपका 3 है तो आपका 6 पे आना चाहिए। इस तरीके से आपको ये चेन बनाना है। तो ये देखिए 24 चेन बना लिए। अब हम एक चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे, और 24 चेन पर ही हम काम करेंगे, लेकिन ये यहाँ पर हमें फर्स्ट में बनाना है, तो एक चेन कम हो जाएगी, इसलिए हमने एक चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे। और ये 24 चेन जो हमने बनाई थी, इसको नहीं गिनना, और पहली चेन से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर चेन में से 24 बार हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हर चेन में से इस तरीके से एक एक बार सिंगल क्रोशिया लेंगे, क्योंकि बूट सिंगल क्रोशिया से ही ठीक रहते हैं। डबल क्रोशिया से बनाएंगे तो खुले खुले बनेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हर चेन में से हम सिंगल क्रोशिया ले रहे हैं। तो देखिए, हमने हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया ले लिया। अब यहाँ पर एक चेन लेंगे और इस तरीके से वापस हो जाएंगे, और शुरू में ही पहली ये जो चेन है, इसी में से हम सिंगल क्रोशिया लेंगे, और इसको हम गिनेंगे 1, ठीक है। तो ऐसे हमने 24 स्टिच ले लेनी है फिर से। ये देखिए, ऐसे हर चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। तो यहाँ तक हम इसी तरीके से ले लेते हैं। तो ये हमने कितनी लाइनें बनानी है, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 लाइनें हमने बनाकर पहले तैयार कर लेनी है सिंगल क्रोशिया की। तो चलिए पहले 6 लाइनें हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, लास्ट में आ गए हैं, ये हमने सिंगल क्रोशिया ले लिया। तो 6 लाइनें हमारी बनके तैयार हो गई, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से हम वापस हो जाएंगे। अभी हमारे पास 24 स्टिच है, तो बीच में 12 और इधर 6 इधर 6 ऐसे रखेंगे हम, यानी कि 6 6 का हिसाब रख लेंगे। तो 6 स्टिच यहाँ बनाएंगे, 6 यहाँ पर बनाएंगे, और बीच में हमारी जो 12 स्टिच है उसको हम 6 बारी बनाएंगे, यानी कि एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से हम बनाएंगे। तो यहाँ पर पहली चेन में से हम इस तरीके से 1 स्टिच बना लेते हैं,
4 5 और ये 6। अगर आपके कान्हा जी का पैर ज़्यादा मोटा है तो आप इसको 7 भी ले सकते हो, यानी कि एक स्टिच बढ़ा सकते हो, क्योंकि मैंने बताया हमेशा कि दो साइज़ में होते हैं। 6 नंबर कान्हा जी भी दो साइज़ में आते हैं, हर एक साइज़ दो दो साइज़ में आते हैं, थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने बना ली। अब यहाँ पर हम एक चेन छोड़ कर दूसरी चेन में से बनाएंगे, ये चेन छोड़ दी, इससे अगली चेन में से हम एक बना लेंगे, ऐसे एक स्टिच, फिर एक चेन छोड़ कर दूसरी चेन में से बनाएंगे, फिर एक चेन छोड़ कर दूसरी चेन में से बनाएंगे। इस तरीके से बीच में हमने ऐसे बनाना, एक चेन छोड़ कर दूसरी चेन में से, ये देखिए ये चेन छोड़ी दूसरी चेन में से बना लिया, फिर ये चेन छोड़ी दूसरी चेन में से बना लिया। तो यहाँ पर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक हमने ऐसे ही बनाना है। तो ये चेन छोड़कर दूसरी चेन में से बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक स्टिच एक्स्ट्रा आ रही है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि या तो आप इसी तरीके से बना लेंगे। लास्ट में हमारी 7 हो गई है, तो ये देखिए हमने इस तरीके से बना लिया। तो ये हमारी शेप आ गई। यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और फिर से हम हर एक चेन में से एक एक बार ऐसे सिंगल क्रोशिया ले लेंगे और फिर ब्लैक कलर लगाएंगे, उससे हम आउटलाइन कर लेंगे। अब हमने कोई इसमें कहीं से घटाई नहीं करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने ब्लैक का धागा लगा दिया और इसको हमने कट कर दिया है थोड़ा सा लंबा छोड़ के, क्योंकि हमने सिलाई भी करनी होगी। और यहीं से हम जो है अपना इस तरीके से शुरू कर देंगे। धागे को साथ साथ रख लीजिए, चाहे आप सिलाई में दबा लीजिए आपके। इस तरीके से एक लाइन हम सिंगल क्रोशे की लेके इसको बनाकर पूरा कर लेते हैं, या आउट लाइन है हमारी। तो देखिए जो हमने धागा लंबा छोड़ा था, इसमें हमने सुई को डाल लिया है, और ये देख लीजिए जैसे हमारे इस बूट में है, ये देखिए इसी तरीके से जो भी सीधी साइड है वहाँ पर हमने ऐसे अंदर करना है। और पहले यहाँ से सिलेंगे और यहाँ से हमने ऐसे सिलना है, पहले हम यहाँ से सिल लेते हैं। तो इस तरीके से आप ये देखिए ये जो ब्लैक धागे आप इसी में ऐसे दबा दीजिए अंदर की तरफ, और ऐसे पकड़कर आपको जैसे स्वेटर सिलते हैं इसी तरीके से हमने बूट को सिल लेना है। तो देखिए जब सिलते हुए हम ऐसे हमने सिला, यहाँ से सिला, और ये जब यहाँ पर आ जाएंगी तो आधा सेंटी के करीब अभी जरा सा इस तरीके से रह जाए, तो थोड़ा सा इतना हम सिल लेते हैं, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 सिंगल क्रोशे के स्टिच, देखे तो 4 स्टिच है, उस पर हमने ऐसे छोड़ देना है, ऐसे आगे नहीं सिलना है। और ये जो गोलाई है इसको हम इस तरीके से ऐसे कच्चा करते हुए देखिए ऐसे, क्योंकि हमने यहाँ से बोट की शेप देनी है। जैसे जिन लोगों को नीचे से बनाने में दिक्कत होती है गोलाई करके, तो ये बहुत ही इजी तरीका है, ऐसे हमने सिल लेना है। ये देखिए कच्चा कर लिया हमने ऐसे गोलाई में। जब हम इस कच्चे को पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो देखिए ऐसे इकट्ठा हो जाएगा, और ये हमारी बोट की इस तरीके से गोलाई अपने आप ही ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे इसको टाइट करके हम सिल लेते हैं, बस हमारा बूट तैयार हो गया है। इसे सीधा कर लेते हैं, थोड़ा पक्का कर लीजिएगा। ये देखिए ये हमारा बोर्ड बनके तैयार हो गया। देखिए कितनी प्यारी सी शेप आई है, ये देखिए नीचे से इस तरीके से गोलाई आ गई है। तो जिनको दिक्कत होती है वो इस तरीके का बोर्ड बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारे दोनों बोर्ड बनके तैयार हो गए हैं।